विधानसभा चुनाव में पैसों के लेन देन और परिवहन पर नजर रखी ग्वालियर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति से 47 लाख रुपए कीमत के 501,000 के पुराने नोट पकड़े हैं। ये वो नोट हैं जो नोटबंदी के दौरान बंद हो गए थे। ग्वालियर एसपी राजेश सिंह चंदेल ने कहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति मुरैना की तरफ से मोटरसाइकिल पर आ रहा है, उसके बैग में बहुत कैश है। मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच को सूचित किया गया और ग्वालियर में एंट्री पॉइंट ट्रिपल आईटीएम के पास मुरैना रोड पर भेजा गया। पुलिस ने यहां चेकिंग लगाकर वाहनों की चेकिंग प्रारंभ की। इसी दौरान कुछ समय बाद पुलिस को एक मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर प्लस आती दिखी। पुलिस टीम को देखकर उक्त मोटरसाइकिल सवार द्वारा वाहन को वापस लौटाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर युवक को पकड़ लिया। पकड़े गए व्यक्ति के पास पुलिस टीम को एक काले रंग का बैग मिला है। बैग की तलाशी लेने पर उसमें 500,000 के पुराने नोटों की गड्डियां मिली। फिलहाल पुलिस ने आयकर विभाग को सूचित कर जांच शुरू कर दी है। एक सूचना मिली थी कि मुरैना की तरफ से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से काफी भारी मात्रा में कैश लेके आदमी आ रहा है। तो एडिशनल एसपी हमारे ऋषिकेश मीणा क्राइम ब्रांच देख रहे हैं, उन्होंने नागेंद्र सिकरवार और टीआई अमर सिंह सिकरवा इन दोनों ने टीम बनाकर आईटीएम के पास भेजा था। जब वहाँ चेकिंग चालू करी गई है सुबह के टाइम में, तो उसमें एक मोटरसाइकिल दिखी जिसमें संदिग्ध व्यक्ति था, जिसके पास एक बैग में करीबन 41 गड्डियाँ 1,000 रुपये के नोट जो अब वर्तमान में प्रचलन में नहीं है वो, और 12 गड्डियाँ 500-500 के नोटों की गड्डियाँ मिली हैं। कुल 47 लाख रुपये के करीबन पैसे मिले हैं। और इससे जब पूछा गया है तो इसका ये बताना है कि ये जो पैसे हैं ये कहीं कुछ चलाने के लिए लेके जा रहा था। अभी से पूछताछ की जा रही है और सारी चीज़ों का पता लगाया जा रहा है। तो कुल मिला के जो ये चेकिंग थी इसमें 47 लाख रुपए के बरामद हुए हैं, और इनमें जो निर्देश है चुनाव आयोग के, चुनाव आयोग को और इनकम टैक्स विभाग को सूचित किया गया है। पुलिस इसकी पूरे मामले की जाँच करके इसे फर्दर कार्रवाई करेगी। चुनाव के दौरान इन नोटों का मिलना क्या समझते हैं? हाँ, ये संदेह है कि किसी तरह का इसमें इसका इस्तेमाल हो सकता है। प्रारंभिक तौर पर उन्होंने बोला कि नोट बदलने की बात है, लेकिन इसका चूंकि इस टाइम पर आना संदेह बताता है कि हो सकता है चुनाव में भी इसका उपयोग भी किया जा सकता था, तो उसको हम लोग उसी एंगल से देख रहे हैं। ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट।